मरमेड। मरमेड एक ऐसा जीव है जिसका आधा शरीर मछली का होता है और आधा शरीर इंसान का। मरमेड्स के बारे में हम हमेशा किस्से कहानियों में जानते रहते हैं। अभी तक यह तो क्लियर नहीं है कि मरमेड हकीकत में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं, लेकिन मरमेड के ऊपर बनी पिक्चर्स या फिर कहानियाँ हमें बहुत पसंद आती हैं। और आज मैं ऐसी ही एक मूवी द मरमेड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो अपनी नाव में समुद्र पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी इनमें से एक इंसान एक मरमेड को देखता है जो उसके करीब आती है। तभी दूसरा वाला आदमी उस मरमेड को एक चाकू से डराकर भगा देता है। इसके बाद मरमेड्स का सरदार पैट्रियट यहाँ आता है और वो अपनी पावर्स का यूज कर इन दोनों आदमियों को सब कुछ भुला देता है। यहाँ अब सभी जलपरी एकत्रित हो जाती हैं। तभी दो साइंटिस्ट को मरमेड के होने का इशारा रेडार पे मिलता है, तो यहाँ एक साइंटिस्ट आदेश मरमेड को पकड़ने निकल पड़ता है। वो मरमेड्स के एक ग्रुप पर हमला बोल देता है। यहाँ वो एक सुधा नाम की मरमेड को पकड़ लेता है। अब इनके चाइनीज नेम प्रोनाउंस करना काफी मुश्किल है, तो इनके जो हिंदी नेम्स हैं मैं वही इस वीडियो में प्रोनाउंस करूंगा। तो वो सुधा नाम की एक मरमेड को पकड़ लेता है अपनी टीम के साथ। तभी मरमेड का सरदार पैट्रियट आदेश को पानी में गिरा देता है। इसके बाद यहाँ रिधिमा नाम की एक मरमेड अपनी दोस्त सुधा को बचाने के लिए आदेश का यूज करने कहती है, जिसपे मरमेड का सरदार पैट्रियट मान जाता है। वो रिधिमा को एक भ्रम में डालने वाला लिक्विड भी देता है और एक जादुई मोती देता है। ये मोती किस काम आता है ये आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा, बस आप वीडियो को देखते जाइए। अब आदेश की सुबह आँख खुलती है तो रिधिमा उसके सामने होती है। मरमेड का जो फिन था वो पानी के बाहर आते ही इंसानी पैरों में बदल जाता था, तो अब आदेश रिधिमा को एक आम लड़की मानता है। रिधिमा आदेश से कहती है कि कल रात उसी ने आदेश को बचाया था। इसके बाद रिधिमा के कबीले के बाकी लोग मिलकर आदेश और रिधिमा की जबरदस्ती शादी करा देते हैं। रात में आदेश इस आइलैंड से भागने की कोशिश करता है। वो एक नाव लेकर समुद्र में पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि रिधिमा भी उसके साथ आ गई है। अब वो रिधिमा को लेकर अपने घर जाता है। अब अगली सुबह आदेश अपनी लैब में जाता है। यहाँ रिधिमा उसका पीछा करने की कोशिश करती है पर वो रास्ता भटक जाती है। लैब में आदेश को बॉस बताते हैं कि उन्होंने जिस मरमेड को कल रात पकड़ा था उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्हें पता लगा कि मरमेड्स के ब्लड में एक भ्रमित करने वाला टॉक्सिन होता है जिसे इन्होंने नाम दिया था जियोटॉक्सिन। अब सब जानने के बाद आदेश वापस अपने घर जाता है। यहाँ वो देखता है कि रिधिमा घर पर नहीं है। अब आदेश उसे ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ा यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद फाइनली रिधिमा उसे मिल जाती है, जिसे कुछ गुंडे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब आदेश रिधिमा को उनसे बचाता है, जिसके बाद वो लोग आदेश को पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। अब आदेश रिधिमा को लेकर घर जाता है। वो रिधिमा से कहता है, तुम ऐसे बाहर मत जाया करो, तुम्हें यहाँ आसपास के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो रिधिमा आदेश से कहती है कि फिर तुम मुझे अपने साथ अपने लैब क्यों नहीं लेकर चलते, तो आदेश मान जाता है। अगली सुबह आदेश रिधिमा को तैयार करवाता है और उसे अपनी लैब में लेकर जाता है। यहाँ लैब में आदेश अमृता नाम की असिस्टेंट साइंटिस्ट को डांटता है क्योंकि वो मरमेड पर कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, इससे मरमेड की मौत भी हो सकती थी। अब बॉस यहाँ आते हैं और आदेश को बताते हैं कि मरमेड जब पानी से बाहर होती हैं तो उनके पैर ह्यूमन जैसे हो जाते हैं, लेकिन उनके पैर पर पानी डाला जाए तो वो वापस फिन में बदल जाते हैं। यहाँ अब रिद्धिमा भी आ जाती है। रिद्धिमा टेलीपैथी के जरिए दिमाग से अपनी मरमेड फ्रेंड सुधा से बात करती है। वो कहती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इसके बाद अब आदेश और रिद्धिमा शॉपिंग करते हैं। यहाँ आदेश को शक होता है कहीं रिद्धिमा कोई मरमेड तो नहीं है। अब घर जाकर ये लोग खाना खाते हैं। यहाँ रिद्धिमा आदेश की ड्रिंक में भ्रमित करने वाला लिक्विड डाल देती है जो पैट्रियट ने उसे दिया था। इसके बाद ये दोनों खाना खाने बैठते हैं। तभी आदेश जानबूझकर रिद्धिमा पर पानी गिरा देता है, लेकिन वो देखता है कि रिद्धिमा के पैर मरमेड के फिन में नहीं बदलते, तो वो मानता है कि रिद्धिमा मरमेड नहीं है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रियट द्वारा दिए गए जादुई मोती की वजह से उसके पैर मरमेड के फिन में नहीं बदले थे। अब आदेश ड्रिंक पीता है, जिसके बाद वो भ्रम में चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन आदेश रिधिमा को प्रपोज करता है
और उसका हाथ पकड़ता है। तभी यहाँ मरमेड के कबीले का एक व्यक्ति जयराज आता है, जिसे पैट्रियट ने भेजा था। वो आदेश को बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये दोनों अब आदेश का आईडी कार्ड लेकर लैब में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी यहाँ आ जाती है। सिक्योरिटी जयराज को पकड़ लेती है। रिद्धिमा जाकर पैट्रियट को बताती है कि जयराज पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर बॉस आदेश को लैब में बुलाते हैं। वो आदेश को जयराज दिखाते हैं। इसके बाद वो लैब की सीसीटीवी फुटेज आदेश को दिखाते हैं, तो आदेश कहता है वो रिद्धिमा नहीं है, मैंने उसके पैरों पर पानी गिराया था, वो मरमेड नहीं बनी थी। तो उसके बॉस कहते हैं ठीक है, कल रिद्धिमा को यहाँ लैब में लेकर आओ, हम उस पर छोटा सा टेस्ट करेंगे, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो अब आदेश अपने घर जाता है। यहाँ आदेश को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके डैड की हालत बिगड़ रही है। आदेश के डैड कई सालों से कोमा में थे। आदेश अब रिद्धिमा को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ रिद्धिमा आदेश से लव करने लगी थी, तो वो अब आदेश के डैड को अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देती है। तभी आदेश यहाँ आता है। वो देखता है उसके डैड कई सालों बाद कोमा से जाग गए हैं। तो अब आदेश समझ जाता है कि रिद्धिमा एक मरमेड है। वहीं दूसरी ओर बॉस रिद्धिमा को पकड़ने हॉस्पिटल आ रहा था। वो आदेश के फ़ोन के ज़रिए इन्हें ट्रैक कर रहा था। अब आदेश रिद्धिमा को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल से भागता है। वो उसे समुद्र किनारे ले जाता है। यहाँ आदेश पूछता है तुम मुझे पसंद करती हो? तभी रिद्धिमा से पैट्रियट टेलीपैथी के जरिए कहता है उसे मना करो और इंसान से दूर हो जाओ। तो रिद्धिमा आदेश से कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना कहकर वो पानी में कूद कर यहां से चली जाती है। अब आदेश कई दिनों तक रिद्धिमा के बारे में ही सोचता है। एक दिन वो बोट लेकर मरमिट्स के आइलैंड पर जाता है। यहाँ पैट्रियट उसे मारने वाला होता है, तभी रिद्धिमा पैट्रियट को रोकती है। यहाँ आदेश कहता है मेरे साथ चलो, हम मिलकर तुम्हारे साथियों को लैब से बचाएंगे। इसके बाद पैट्रियट और रिद्धिमा आदेश के साथ लैब जाते हैं। तभी यहाँ सिक्योरिटी पैट्रियट और रिद्धिमा को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ बॉस आता है। वो आदेश से कहता है तुमने अच्छा काम करा। तभी आदेश यहाँ सीक्रेटली जियोटॉक्सिन के जरिए सभी को बेहोश कर देता है। वो मास्क लगा लेता है, जिससे वो खुद बेहोश नहीं होता। अब ये तीनों जयराज और सुधा को बचाने जाते हैं। यहाँ आदेश कंप्यूटर से सभी मरमेड रिलेटेड डाटा डिलीट कर देता है। पैट्रियट और रिद्धिमा अपने दोस्तों को बचाते हैं। तभी बॉस यहाँ आदेश का गला पकड़ लेता है। बॉस में एक अजीब सी पावर आ गई थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने अपने डीएनए को मरमेड के डीएनए से कंबाइन करा था। बॉस अब यहाँ रिद्धिमा को मारने की कोशिश करता है। आदेश बॉस पर वार करता है, लेकिन बॉस बच जाता है। वो आदेश को मारता है। तभी पैट्रियट बॉस को जंजीर से लटकाकर मार देता है। यहाँ आदेश को बचाने के लिए रिद्धिमा अपनी सारी हीलिंग पावर यूज कर लेती है। यानी अब वो कभी भी अपने फिन को पैरों में नहीं बदल पाएगी, यानी वो अब हमेशा मरमेड ही बनी रहेगी। वो अब आदेश को बचा लेती है। मूवी के एंड में रिद्धिमा पानी में होती है, क्योंकि वो अब मरमेड ही बनी रह सकती है, वो इंसानों की तरह जमीन पर नहीं आ सकती। वहीं दूसरी ओर आदेश हॉस्पिटल में होता है और वो जिंदा बच जाता है। उसके डैड भी ठीक हो जाते हैं। एंडिंग में आदेश अपने डैड के साथ नदी किनारे जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me.